दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ई पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम घर से बाहर होते हैं और वहाँ पे हमें पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और तब हमें पता चलता है कि हमारा जो फिजिकल पैन कार्ड है वो घर पे छूट गया है। तो उस कंडीशन में आप केवल 2 मिनट में अपने मोबाइल की मदद से अपना ई पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस ई पैन कार्ड को आप अपनी ई मेल आई डी पर हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हैं और जब भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है आप इसको बिंदास यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई पैन कार्ड को डाउनलोड करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आपका जो पैन कार्ड है वो कौन सी वेबसाइट से बनाया गया है। भारत में मेनली 3 ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे पैन कार्ड बनाए जाते हैं। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो कौन सी वेबसाइट से बनाया गया है, तभी आप अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका जो पैन कार्ड है वो कौन सी वेबसाइट से बनाया गया है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो कौन सी वेबसाइट से बनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको 3 वेबसाइट से पैन कार्ड डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ई फिलिंग की। अगर आपका पैन कार्ड ई फिलिंग की वेबसाइट से बनाया गया है तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको ई फिलिंग की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर को एंटर करना है, उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है और नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, व्यू ई पैन कार्ड और डाउनलोड ई पैन कार्ड। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड ई पैन कार्ड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप डाउनलोड ई पैन कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और जब आप अपने पैन कार्ड को ओपन करोगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देना है। तो अगर आपका पैन कार्ड ई फिलिंग की वेबसाइट से बनाया गया है तो कुछ इस तरीके से आप अपने ई पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड NSDL की वेबसाइट से बनाया गया है तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको NSDL की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब दोस्तों इस वेबसाइट से पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ₹8.26 का पेमेंट करना होगा। तो पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको अपने पैन नंबर को एंटर कर देना है, उसके बाद नीचे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के मंथ को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की ईयर को एंटर कर देना है, उसके बाद नीचे आपको GST का ऑप्शन मिलेगा तो इसमें आपको कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है, उसके बाद आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आपको एक कैप्चा मिलेगा, इस कैप्चे को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके पैन कार्ड की सभी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि आपका पैन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी। उसके बाद नीचे आपको OTP मोड को चूज करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि OTP आपके मोबाइल नंबर पर आए तो आपको सेकंड ऑप्शन को चूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि OTP आपकी ईमेल आईडी पर आए तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों पर आए तो आपको थर्ड ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप जनरेट OTP पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ₹8.26 का पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए नीचे आपको कंटिन्यू विद पेड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने 2 पेमेंट मोड आ जाएंगे, तो इनमें से आपको कोई भी एक पेमेंट मोड को चूज करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आपको प्रोसेड विद पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेड विद पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, तो वहां से आपको ₹8.26 का पेमेंट कर देना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेस होगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी और ऊपर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड ई पैन का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके पैन कार्ड का जो पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए नीचे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, पैन कार्ड PDF फाइल और पैन कार्ड XML फाइल। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन यानी कि पैन कार्ड PDF फाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आपका जो पैन कार्ड
कार्ड है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो अगर आपका पैन कार्ड NSDL वेबसाइट से बनाया गया है तो कुछ इस तरीके से आप अपने ई पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड UTI की ऑफिशियल वेबसाइट से बनाया गया है तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको UTI की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अगर आप इस वेबसाइट से ई पैन कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आपको ₹8.26 का पेमेंट करना होगा। तो पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है, उसके बाद नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर एंटर करना है, उसके बाद नीचे आपको GST का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको खाली छोड़ देना है, उसके बाद नीचे आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, उस कैप्चे को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका पैन नंबर आ जाएगा और पैन कार्ड बनवाते वक्त आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर की होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक कैप्चा मिलेगा, इस कैप्चे को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, उसके बाद आपको OTP मोड को चूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि OTP आपके मोबाइल नंबर पर आए तो आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को चूज करना है, अगर आप चाहते हैं कि OTP आपकी मेल पर आए तो आपको सेकेंड ऑप्शन को चूज करना है, और अगर आप चाहते हैं कि दोनों पर आए तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो मैं यहां से थर्ड ऑप्शन को चूज कर लेता हूं, उसके बाद यहां पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और गेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहां पे एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा। अब यहां पे आपको ₹8.26 का पेमेंट करना होगा, तो यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद यहां से आपको बिल डेस्क को चूज करना है और नीचे आपको कंफर्म पेमेंट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको पेमेंट मोड चूज करना होगा। तो यहां पे आपको काफी सारे पेमेंट मोड मिल जाएंगे, आप QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहां से QR कोड को चूज कर लेता हूं, उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा, अब इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब आपको इस QR कोड को किसी भी UPI एप्लीकेशन से स्कैन कर लेना है, आप पेटीएम से स्कैन कर सकते हैं, गूगल पे से स्कैन कर सकते हैं, फोन पे से स्कैन कर सकते हैं, तो आपको इसको स्कैन कर लेना है, उसके बाद आपको अपना ₹8.26 का पेमेंट कर देना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेस होगा तो आपके सामने पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी और नीचे आपको बताया गया है कि आपके पैन कार्ड की जो डाउनलोड लिंक है वो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है और आपके पैन कार्ड का जो पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके की लिंक आएगी, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको पैन कार्ड डाउनलोड करने के दो ऑप्शन मिलेंगे, पैन कार्ड PDF और पैन कार्ड XML। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यानी कि पैन कार्ड PDF पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप पैन कार्ड PDF पर क्लिक करोगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके का पैन कार्ड आपको दिखाई देगा। और ये जो पैन कार्ड है ये आपके ओरिजिनल पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी है, यानी कि ये भी ओरिजिनल पैन कार्ड है और इसको आप बिंदास जहां चाहो वहां पर यूज कर सकते हैं। तो भाई अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो कौन सी वेबसाइट से बनाया गया है तो इसका कोई ऑफिशियल तरीका तो नहीं है, लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको 3 वेबसाइट बताई है उनमें से आपको किसी भी एक को ओपन करना है और वहां पे आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल को एंटर करना है। अगर उस वेबसाइट से आपका पैन कार्ड बनाया गया होगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज वो आपको बता देगा कि भाई इस वेबसाइट से आपका पैन कार्ड नहीं बनाया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरी वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल को एंटर करना है। और जैसे आप डिटेल एंटर करोगे अगर उस वेबसाइट से आपका पैन कार्ड बनाया गया होगा तो वो आपकी डिटेल को एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर नहीं बनाया गया होगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा और आपको बता देगा कि भाई इस वेबसाइट से आपका पैन कार्ड नहीं बनाया गया है। अगर पहली 2 वेबसाइट आपकी डिटेल को रिजेक्ट कर देती है तो 100% श्योर है कि आपका जो पैन कार्ड है वो तीसरी वेबसाइट से बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको तीसरी वेबसाइट पर जाना है और वहां पे जाके आप अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका है ये पता करने का कि भाई आपका जो पैन कार्ड है वो कौन सी वेबसाइट से बनाया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना डिजिटल ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो ई पैन कार्ड होता है ये आपके फिजिकल पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी होता है, यानी कि ये ओरिजिनल पैन कार्ड होता है। तो जहां पर भी आपको ओरिजिनल पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है वहां पे आप अपना
डिजिटल पैन कार्ड यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना।